बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर एनआईए की टीम ने छापा मारा है पटना के फुलवारी शरीफ में। बड़ी खबर बता दें आपको, फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का मामला पटना में। एनआईए की टीम ने दो ठिकानों पर मारा छापा। एसडीपीआई के सदस्य के घर में हुई छापेमारी। बिहार के कई जिलों में भी एनआईए का पड़ा रेड। तो आपको बता दें बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का जो मामला अब भी शांत नहीं हुआ है, और इस मामले में एनआईए की टीम ने फुलवारी शरीफ में दो अलग अलग घरों में छापेमारी की है। वहीं सिर्फ पटना के फुलवारी में ही नहीं, बिहार के कई जिलों में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। तस्वीरें देखिए, पटना के फुलवारी शरीफ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करेंगे पटना से संवाददाता धीरेन्द्र, फोन लाइन पर जुड़ गए। धीरेन्द्र, एनआईए की टीम ने फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में छापा मारा है, अब तक क्या जानकारी प्राप्त हुई है? बिल्कुल नीतीश, एनआईए की टीम जो है फुलवारी शरीफ में दो जगहों पर छापेमारी कर रही है। फुलवारी शरीफ के मिल्कियाना मोहल्ला है, वहां पर जो है छापेमारी कर रही है। एहसान परवेज के घर से छापेमारी कर रही है, वो पीएफआई के जो है वो नेता है, उनके घर से छापेमारी चल रही है। और फुलवारी के साथ साथ जो है छपरा अररिया यानी बिहार के कई जिलों में एक साथ जो है एनआईए की टीम जो है छापेमारी कर रही है। और बताया जा रहा है कि जो पहले से जो जांच चल रही थी, बिहार पुलिस की जांच चल रही थी, जांच में 22 लोगों की जो है नाम आ रहे थे, उन 22 लोगों को जो है अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं की है। उन लोगों के लिए छापेमारी के दौरान पूरे बिहार के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। धीरेन्द्र, छापेमारी के दौरान परिजनों से भी कोई पूछताछ भी की गई है? बिल्कुल, अमीन खान और छोटे खान जो है वो फुलवारी शरीफ से, उनके घर पर जो एनआईए की टीम जो पहुंची है, उनके घर पर पहुंच करके छापेमारी कर रही है। क्योंकि जो है फुलवारी शरीफ जो मॉडल पेरिस मॉडल जो था उसमें भी इन लोगों का नाम था, इसलिए उनके घर पर जो है टीम पहुंच करके इन लोगों से पूछताछ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि सहयोगी धीरेन्द्र ने बताया है, पटना के अलावा बिहार के कई जिलों में भी छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामला। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर, एनआईए की टीम ने मजहरुल इस्लाम के घर पर मारा छापा। सकरा थाना और बरियारपुर थाना पुलिस भी रही मौजूद। मुजफ्फरपुर में फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का मामला है, वहां पर भी एनआईए की टीम ने छापा मारा है। एनआईए की टीम ने मजहरुल इस्लाम के घर पर मारा छापा। सकरा थाना बरियारपुर थाना पुलिस भी मौके पर रही मौजूद। बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, खबर पर अधिक जानकारी मुजफ्फरपुर से साझा करेंगे संवाददाता रुपेश, फोन लाइन पे जुड़ गए। रुपेश, एनआईए की टीम वहां पर छापेमारी कर रही है, अब तक क्या जानकारी प्राप्त हुई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह से ही एनआईए की टीम है वो मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के बुढ़ियार गांव में मजहरुल इस्लाम के घर पे छापेमारी है। हालांकि छापेमारी में क्या बरामद हुई इसकी अभी तक नहीं हुई है। वही इस मामले में एनआईए की टीम कुछ भी बोलने से परहेज। क्या किसी को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है? रुपेश, आवाज आ रही है आप तक? आ रही है। मजहरुल इस्लाम कौन है? तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि सुबह से ही दो जगह शहर के दो मजहरुल इस्लाम का नाम इसमें सामने आ रहा है, वो कौन है उनके बारे में जरा जानकारी जानना चाहेंगे आपसे। बीते महीने तो पटना में कुछ आतंकवादी मिलने की जो बात आई थी, उसके बाद
बिहार के लगभग 22 लोगों के नाम आए थे, जिसमें मुजफ्फरपुर के 17 प्रखंड के गुड़ियार गाँव के मधुर इस्लाम का भी नाम आया था, जिसको लेकर आज एनआईए की टीम उनके घर पे पहुंची और वहां छापेमारी कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी अधिक जानकारी आपसे साझा करेंगे हम। तो ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर देख रहे हैं, एनआईए की टीम ने मजहरुल इस्लाम जो कि फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में इनका नाम भी सामने आया है, आपको बता दें मजहरुल इस्लाम इस टेरर मॉड्यूल मामले में नाम सामने आने के बाद यहां पर एनआईए की टीम पहुंची है और इसके घर पर छापेमारी एनआईए की टीम कर रही है। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर डीटीवी आपको दिखा रहा है। तो देख सकते हैं सुबह से ही एनआईए की टीम जो है बिहार के कई जिलों में, जैसा कि जानकारी संवाददाताओं ने हमसे दी है, बिहार के कुछ जिलों में भी एनआईए की टीम ने छापा मारा है। जिन जिन नाम फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में जो सामने आए हैं उन संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर छापेमारी अब एनआईए की टीम कर रही है। एनआईए की टीम पटना में भी छापेमारी कर रही है फुलवारी शरीफ में, और आपको बता दें ये मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये तस्वीर है जहां पर मजहरुल इस्लाम जो कि इस 22 नामों में संदिग्ध नामों में इसका नाम भी शामिल है, इसके आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। गुदरे गुदरे सब बोला है, क्या क्या लेके आया है? ले गया कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या बोल रहा था? मेरा पास नहीं, खोज रहा है अपने। किसको खोज रहा था? अकाउंट को।